हेलो फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो इसमें जो क्वांटिटी है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया एंड कॉस थीटा, तो इन तीन क्वांटिटी की वजह से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। वही हमारे पास थ्री वेरियस मेथड्स हैं। देखते हैं, वी हैव लर्न दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट इज चेंज। मतलब ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है। सो बाय दैट फॉर्मूला वी हैव फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाइ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग बी A and theta. Hence, there are three methods of producing induced EMF. First method is by changing the magnitude of magnetic field B. So, by change in magnetic field B, magnetic field को change करके भी हम लोग EMF induce करा सकते हैं। जो हमने पहले arrangement में, पहले experiments में देखा है कि एक coil होती है और हम लोग bar magnet को coil की तरफ move करते हैं, तो वो केस हो गया magnetic change in magnitude of magnetic field. सेकेंड देखें, बाय चेंजिंग द एरिया ए, दैट इज बाय श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग और चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल। तो ये हमारे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में हमको पता चलेगा, जहां हम लोग यू शेप्ड कॉइल लेंगे, उस यू शेप्ड कॉइल में हम लोग एक रॉड रखकर मैग्नेटिक फील्ड में उस रॉड को मूव कराएंगे, तो एनक्लोज एरिया जो है वो चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। सो दैट इज अवर सेकेंड मेथड। नाउ थर्ड इज बाय चेंजिंग एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया ए। सो फ्रेंड, ये है हमारे पास, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को भी फिक्स रखते हैं, सरफेस एरिया को भी फिक्स रखते हैं। क्या चेंज होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, दैट इज थीटा। फ्रेंड्स,